Blasius theorem. ये जो टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं क्या है ब्लेसियस थ्योरम और क्या है इसकी डेरिवेशन। लिखते हैं इसका स्टेटमेंट। मैं इसके स्टेटमेंट को फास्ट फॉरवर्ड करने जा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, इसलिए देखते रहिए। स्टेटमेंट क्या कहता है? इन अ स्टेडी टू डायमेंशनल मोशन, इरोटेशनल मोशन, जो मोशन है इनकंप्रेसिबल फ्लूइड का वो दिया जाता है गिवन बाय द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W इज इक्वल टू एफ जेड एंड प्रेशर थ्रस्ट ऑन द फिक्स्ड सिलेंडर इज गिवन बाय और रिप्रेजेंट बाय एक्स एंड वाई। एम इज द मोमेंट अबाउट द ओरिजिन ऑफ दैट सिलेंडर। देन वी हैव टू शो दैट एक्स माइनस आइटा वाई इज इक्वल टू 1/2 आइटा रो इंटीग्रेशन ओवर सी डी डब्ल्यू ओवर डी जेड का होल स्क्वायर डी जेड। ऑल्सो एम इज इक्वल टू वेर एम इज द मोमेंट रियल पार्ट ऑफ माइनस 1/2 आइटर रो इंटीग्रेशन ओवर सी जेड डी डब्ल्यू ओवर डी जेड का होल स्क्वायर डी जेड। इसको प्रूफ करने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं एक सिलेंडर, सेक्शन ऑफ सिलेंडर इन एक्स ओ वाई प्लेन में। चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। कंसीडर अ सेक्शन ऑफ सिलेंडर इन एक्स ओ वाई प्लेन। एक सेक्शन हम कंसिडर कर लेते हैं। सपोज दिस इज एक्स ओ वाई प्लेन। एंड दिस इज अ सेक्शन ऑफ सिलेंडर ऑफ एनी आर्बिटरी शेप। लेट पी बी any point whose coordinates are x comma y, x comma y। suppose हम यहाँ पर एक point consider किया है p जिसका coordinates हैं x comma y। also let q x plus del x delta x comma y plus delta y be the neighboring point of p such that pq is equal to delta s। यहां पर एक और पॉइंट हमने कंसीडर कर लेते हैं q जिसके कोऑर्डिनेट्स है x plus delta x comma y plus delta y जो कि del s डिस्टेंस से आपस में सेपरेटेड हैं। नाउ Let us draw a tangent PT at P which makes an angle theta with the x-axis. This is the point P and we are drawing the tangents from here which is making angle theta with the x-axis. This is the x-axis and this is the point T. Then cos theta will be given by
dx over ds and sine theta dy over ds. Suppose this is our first equation. Now making a normal at P which makes pi by 2 plus theta angle with the x-axis. Means हम नॉर्मल बनाएंगे P पर जो इंटरसेक्ट करेगी x एक्सिस को pi by 2 plus theta एंगल पर. क्यों? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा. ये theta 90 plus theta is equal to the exterior angle of this angle. So this is the exterior angle which is equal to the sum of these two angles. So I am writing here this angle. Let P denotes the pressure on this unit length of this whole section of the cylinder, and force on the unit length will be given by P delta S. Delta S is the unit length of this section here. और ये जो pressure है ये 90 degree पर तो लग रहा है, लेकिन हमें इसे resolve करना पड़ेगा इसके components में, जो कि sin theta और cos theta, जो दिया जाएगा कुछ इस तरह से. X is equal to integration over C P cos pi by 2 plus theta into ds. This is pressure here and this is area. Pressure into area is called force. The pressure is here in terms of cos theta. इसको थोड़ा सा solve करते हैं. जैसा कि हमें पता है cos theta pi by 2 plus theta, that is first second quadrant. Second quadrant में cos theta negative होता है, तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं minus integration over C P sin theta directly into ds बाहर से. और जैसा कि हमें पता है माइनस साइन यहाँ पे ऐसी रहेगा. पी साइन थीटा को हमने क्या लिया था फर्स्ट इक्वेशन में? यस, डी वाई ओवर डी एस. नाउ डी एस विल बी कैंसिल आउट बाय डी एस. द इक्वेशन विल बी गिवन बाय पी डी वाई. और ये कैसे आया हमारा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. सो एक्स विल बी इक्वल टू माइनस पी डी वाई, वेयर पी इज द प्रेशर. इसे हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं. सिमिलरली हमारा जो y कंपोनेंट है फोर्स का, वो कैसे दिया जाएगा? इंटीग्रेशन ओवर सी पी साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इंटू डी एस. और साइन हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं पी कॉस थीटा इंटू डी एस. और पी इंटू कॉस थीटा जो हमारा है वो हमने क्या निकाला था? डी एक्स ओवर डी एस. और यहाँ पर डी एस से डी एस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो y है वो आ जाएगा पी डी एक्स. इसे हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे, सॉरी थर्ड इक्वेशन मान लेंगे. ये आगे हमें यूज में होंगी, इसलिए इनको नोट करते हुए आगे चलते हैं. इसी प्रकार से जो मोमेंट है वो दिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, द कंपोनेंट्स ऑफ द प्रेशर. तो इंटीग्रेशन ओवर सी एक्स पी साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इंटू डी एस, इससे सेपरेट करेंगे माइनस yp cos theta, sorry, pi by 2 plus cos theta, pi by 2 plus theta into ds. इसको भी सिमिलरली वैसे ही सॉल्व करेंगे. sin theta सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये cos theta में कन्वर्ट हो जाएगा. ds से ds कैंसिल होकर यहां पर बचेगा dx. तो मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूं, m इज इक्वल टू p, यहां पे कॉमन आ जाएगा x dx प्लस वाई डी वाई. आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4. नाउ हमने टॉपिक पढ़ा था बर्नौली इक्वेशन फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूड. We have 1 by 2 q square plus p by rho is equal to any constant, that is b. Let us find p from this equation. We get p is equal to b into rho minus rho by 2 into q square
जैसा कि यहाँ पर रो और बी दोनों कांस्टेंट हैं, तो इसी एक ही कांस्टेंट से हम डिनोट करेंगे, तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा, सपोज हम इसे ए लेट कर लेते हैं, 1/2 रो इंटू क्यू स्क्वायर, ये फिफ्थ इक्वेशन है। जैसे कि हमें पता है वी कैन राइट सिंस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, मीन्स क्यू स्क्वायर कैन बी रिटन, सो पी विल बी इक्वल टू ए माइनस 1/2 रो इंटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। नाउ वी विल यूज दिस इक्वेशन इन अबाउट थ्री इक्वेशंस यूजिंग सिक्स्थ एंड द फॉलोइंग कंडीशंस, डेल सी ओवर सॉरी इंटीग्रेशन ओवर सी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर सी डी वाई एंड एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई विल बी इक्वल टू जीरो विच होल्ड गुड बिकॉज सी इज ए क्लोज कंटाउर और क्लोज कर्व। सो सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज सेकेंड वाली इक्वेशन थी x इज इक्वल टू माइनस पी डी वाई, तो यहां से प्रेशर का वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह के हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ओवर सी, प्रेशर का वैल्यू है ए माइनस 1/2 रो इंटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और बाहर से आ जाएगा हमारा डी वाई, डी वाई जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, मीन्स दिस कैन बी रिटन एज माइनस माइनस प्लस रो बाय टू कैन बी टेकन कॉमन हियर इंटीग्रेशन ओवर सी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और बाहर से आ जाएगा हमारा डी वाई, इसको मान लेते हैं हम सेवंथ इक्वेशन, ये हमारा आगे यूज होगा। सिमिलरली वाई भी इसी तरह से दिया जाएगा, वाई इज इक्वल टू हमारे पास था इंटीग्रेशन ओवर सी पी डी एक्स, और प्रेशर हमारे पास है ए माइनस 1/2 रो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और बाहर से डी एक्स, डी एक्स इसके साथ कॉन्स्टेंट के साथ मिलकर जीरो हो जाएगा, तो ये भी हम लिख सकते हैं माइनस रो बाई टू इंटीग्रेशन ओवर सी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू डी एक्स। नाउ दिस विल बी द एट्थ इक्वेशन एंड मोमेंटम सॉरी मोमेंट मोमेंट इज गिवन बाय इन टर्म्स ऑफ पी, प्रेशर ए माइनस 1/2 रो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, एंड द कंडीशन वॉज एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, दिस वॉज फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन। सो ऑन सिंप्लीफाइंग रो बाई टू कैन बी टेकन कॉमन, दिस पार्ट विल बी जीरो माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, बाहर से बचेगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, इसको मान लेते हैं फाइनली नाइन्थ इक्वेशन। अब लास्ट की जो तीन इक्वेशन आई यही हमारी काम की है, और सेवन्थ और एट्थ वाली इक्वेशन से हम फाइंड करेंगे फोर्स, और इससे फाइंड करेंगे हम रियल पार्ट ऑफ द मोमेंट। जैसा कि हमें पता है कि सेक्शन ऑफ द सिलेंडर इज ए स्ट्रीम लाइन, नाउ कंटाउर और सेक्शन ऑफ द सिलेंडर इज ए स्ट्रीम लाइन, देन स्ट्रीम लाइन इज गिवन बाय डी एक्स ओवर यू इज इक्वल टू डी वाई ओवर वी, एंड दिस कैन बी रिटन एज डी एक्स प्लस आईटा डी वाई अपॉन यू प्लस आईटा वी, ऑल्सो डी एक्स माइनस आईटा डी वाई u minus iota v. Now, considering this part, on cross multiplying we can write it u minus iota v over u plus iota v is equal to dx minus iota dy over dx plus iota dy. Now, on rationalizing we get u minus iota v ka whole square over u square plus v square
is equal to dx minus eta dy dx plus eta dy. Now again on cross multiplying we get u minus eta v ka whole square is equal to into dx plus eta dy, that will be equal to u square plus v square into dx minus eta dy. This condition we will use in the equation that we have solved before. Now suppose this is equation number 10. Now अब हम फाइंड करते हैं x माइनस आइटा वाई जो कि हमें मिलेगा सेवन्थ और एट्थ इक्वेशन से. इन दोनों को हम सेपरेट करेंगे फ्रॉम सेवन्थ एंड एट्थ इक्वेशन. ये हम फाइंड करेंगे जो कि हमें लाना है. तो सेवन्थ इक्वेशन थी हमारी x इज इक्वल टू रो बाई टू इंटीग्रेशन ओवर c u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाहर से dy, और y इक्वेशन थी हमारी माइनस रो बाई टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डी एक्स. इन दोनों को हम सेपरेट करते हैं तो हमें मिलेगा एक्स माइनस आइटा वाई इज इक्वल टू रो बाई टू, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा एंड यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा. अंदर बचेगा डी वाई प्लस, इससे इसको हम सेपरेट कर रहे हैं तो फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू आइटा डी एक्स. अब जो है हमने प्रीवियस यानी कि टेंथ इक्वेशन में फाइंड किया था u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर एक ब्रैकेट में इंटू डी एक्स माइनस आइटा डी वाई का वैल्यू, लेकिन यहां पर हमारे पास u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर तो है लेकिन डी वाई प्लस आइटा डी एक्स है. इसे हम एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से. यहां से मैं आइटा कॉमन ले लेता हूं, टेकिंग आइटा कॉमन तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा रो बाय टू इंटू आइटा इंटीग्रेशन ओवर सी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर सेम रहेगा. यहां पर डीएक्स को मैं पहले लिख रहा हूं और वन बाय आइटा इंटू डी वाई. जैसे कि हमें पता है कि आइटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए तो इसे हम यहीं पर रेशनलाइज कर लेते हैं. तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा रो बाय टू इंटू आइटा इंटीग्रेशन ओवर सी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डीएक्स. ये यहां पर हो जाएगा आइटा इंटू आइटा, आइटा इधर भी मल्टीप्लाई कर लिया आइटा इधर भी मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो जाएगा आइटा स्क्वायर और आइटा स्क्वायर होता है माइनस वन तो ये हो जाएगा माइनस आइटा इंटू डी वाई. और इसका वैल्यू हमने टेंथ इक्वेशन में फाइंड किया था जो कि है, इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं रो बाय टू आइटा इंटू इंटीग्रेशन ओवर सी यू माइनस आइटा वी का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस आइटा डी वाई. x माइनस आइटा वाई का वैल्यू हमारे पास ये आ चुका है, इसे हम नेम दे देंगे इक्वेशन नंबर 11. नाउ हमें पता है w इज इक्वल टू फाइव प्लस आइटा जाई होता है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dw ओवर dz डेल z ओवर डेल x इज इक्वल टू डेल फाइव ओवर डेल x प्लस आइटा डेल साई ओवर डेल x. और जैसा कि हमें पता है ये हो जाएगा वन क्योंकि हमें पता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई को अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये वन हो जाएगा, ये जीरो, तो इसका मतलब डेल z ओवर डेल x इज इक्वल टू वन. तो डी डब्ल्यू ओवर डी जेड इज इक्वल टू डेल फाई ओवर डेल x प्लस आइटा डेल z ओवर डेल x. अब ये भी फाइव के टर्म्स में है तो इसे भी हम फाइव के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो यहां से हमें मिल जाएगा डी डब्ल्यू ओवर डी जेड इज इक्वल टू डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस आइटा माइनस डेल फाई ओवर डेल वाई. ये वैल्यू माइनस डेल फाई ओवर डेल वाई की इक्वल होती है. नाउ जैसे कि हम जानते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल वी इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू होता है माइनस डेल फाई ओवर डेल एक्स एंड वी इज इक्वल टू होता है माइनस के डेल फाई ओवर डेल वाई. यहां पर दोनों है, यहां पर दोनों है तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस यू के. ये वाला पार्ट हो जाएगा माइनस यू के इक्वल एंड ये पहले से यू है तो ये हो जाएगा प्लस आइटा वी. तो इसका मतलब हमारे पास वैल्यू आ चुका है डी डब्ल्यू ओवर डी जेड का वैल्यू आ चुका है माइनस यू प्लस
eta v माइनस यू प्लस आइटा वी, ये हम आगे यूज करेंगे। इसको एक बार दोबारा लिख लेते हैं, डी डब्ल्यू ओवर डी जेड इज इक्वल टू माइनस यू प्लस आइटा वी। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, डी डब्ल्यू ओवर डी जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन, इसमें से कॉमन आ जाएगा और माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब यू माइनस आइटा वी का होल स्क्वायर। एंड वी नो दैट z is equal to x plus eta v eta y, then dz is equal to dx plus eta dy. इसको हम combinedly 12th equation मान लेते हैं। अब जो हमारी 11th equation थी, यानी कि x minus eta y from 11, x minus eta y जो equation थी, उसे हम rewrite करते हैं, दोबारा से देखते हैं। एक मिनट, पहले देख लेते हैं कौन सी क्या equation थी। Equation थी rho by 2 into eta over c u माइनस आइटा वी का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस आइटा डी वाई। तो इसका मतलब हम इसे दोबारा लिख सकते हैं, रो बाय टू इंटू आइटा इंटीग्रेशन ओवर सी, इस वाले पोर्शन की जगह हम वैल्यू डालेंगे ये वाली, मींस डी डब्ल्यू ओवर डी जेड का होल स्क्वायर इंटू डी जेड। तो ये था हमारा पहला प्रूफ, जो हमें पहला प्रूफ करना था। नाउ द सेकेंड वन फ्रॉम नाइन्थ, व्हाट वाज द नाइन्थ इक्वेशन? एम इज इक्वल टू माइनस रो बाय टू इंटीग्रेशन ओवर सी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस आइटा सॉरी वाई डी वाई, इट वाज नाइन्थ इक्वेशन। नाउ इसको हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ माइनस रो बाई टू इंटीग्रेशन ओवर सी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ऐसी रहेगा। इसको हम थोड़ा सा सेपरेट कर रहे हैं इंडिविजुअली, तो इसको हम लिख सकते हैं सिंपली एक्स प्लस आइटा वाई इंटू डी एक्स माइनस आइटा डी वाई। नाउ इसको दोबारा हम क्या लिख सकते हैं, टेंथ इक्वेशन से इसको हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ माइनस रो बाय टू इंटीग्रेशन ओवर सी u माइनस आइटा वी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस आइटा डी वाई, और साथ में चल रहा है एक्स प्लस आइटा वाई, एक्स प्लस आइटा वाई। नाउ फाइनली वी हैव रियल पार्ट ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ओवर सी माइनस रो बाय टू इंटीग्रेशन ओवर सी, इसका हो जाएगा जेड, इसका हो जाएगा डी डब्ल्यू ओवर डी जेड का स्क्वायर और डी जेड इसका। और ये था हमारा सेकेंड वन, जो हमें सेकेंड प्रूफ करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।